हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रेमा विस. टुडे आई एम हेयर सम टॉपिक ऑफ साइंस, इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति के समीकरण. फ्रेंड्स, हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था गति के समीकरण के बारे में, गति के कितने समीकरण होते हैं, गति क्या होती है, यह हमने आपको बताया था. तो आज हम आपको, उस दिन हमने आपको एक फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करके दिखाया था, आज हम उसी का सेकेंड और थर्ड इक्वेशन आपके लिए लेके आए हैं. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले जैसे कि गति के समीकरण थे, तीन समीकरण थे, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड लास्ट एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. दीज आर द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन. द मीनिंग ऑफ देयर सिंबल u, v, s, t एंड a. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल? U is the initial velocity. V is the final velocity. S is the displacement. या डिस्टेंस. देखिए फ्रेंड्स, मैथ्स में हम लोग S को स्पीड के लिए S स्पीड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो. और t इज इक्वल टू टाइम एंड a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. हमारी इन तीनों इक्वेशंस में एक्सेलरेशन का बहुत बड़ा रोल है. तो सबसे पहले हमें जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है. एक्सेलरेशन यानी कि जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं. एक्सेलरेशन होता है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं. या इसके अदरवाइज हम इसकी एक डेफिनेशन और दे सकते हैं, जब हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं और उसे टी से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या कहलाता है, वो हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है, यानी कि त्वरण कहलाता है. या आप कह सकते हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, आर कॉल्ड एक्सेलरेशन. एंड सेकेंड इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी, आर कॉल्ड एक्सेलरेशन. सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को प्रूव कर दिया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. इसमें हमने क्या किया था, एक्सेलरेशन का यह फॉर्मूला लगा के क्या किया था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाइंग करके एक्सचेंज करके इसको हमने प्रूव किया था. तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये हमारे आगे के इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए हमारे काम आने वाला है. सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. फ्रेंड्स, इसको हम किस तरीके से प्रूव करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, s हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस है, u हमारा है इनिशियल वेलोसिटी, t हमारा है टाइम, a हमारा है एक्सेलरेशन. अब देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हम इसको सपोज करेंगे कि किसी वस्तु की जो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड with the initial velocity is u and final velocity is v with respect to time and their acceleration is a and their displacement is s. So देखिए, अगर हम यहाँ पे इसको प्रूव करें, सबसे पहले हमारा आता है एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी. और जो इसका फॉर्मूला बनेगा, यानी कि एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, वो बनेगा s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टी. ये क्या है, हमारी एवरेज वेलोसिटी है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं औसत वेग. क्या कहते हैं फ्रेंड्स, औसत वेग. अब देखिए, इस औसत वेग का जो हमारा फॉर्मूला एक्चुअल में होता है, वो यह होता है v प्लस यू अपॉन टू, यानी कि फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी, या आप कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू. ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी. अब देखिए, इसको हम रखेंगे इस वाले इक्वेशन में जिसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी की अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा. अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, कौन सी इक्वेशन फर्स्ट, चलिए इसको ए मान लीजिए, ज्यादा कंफ्यूजन होने के लिए इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन, put the value of v. अगर हम यहां पे इसको क्या करते हैं, put करते हैं,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया, v की वैल्यू पुट कर दी कहाँ से, समीकरण नंबर एक से, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन के फर्स्ट से v की वैल्यू रख दी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे s इज इक्वल टू आ जाएगा u प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर से दो u हो गए हमारे पास, s यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, टू होगी, तो टू यू प्लस आपका आ गया ए टी अपॉन टू इंटू टी। अब देखिए आप यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं, टू से टू, अगर इसको हम इसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा और टी का मल्टीप्लाई हम अंदर करते हैं तो क्या आ जाएगा, यू टी प्लस। अब यहाँ पे कोई दो नहीं है तो इसके इस तरीके से आ जाएगा हाफ ए टी एंड बाहर से टी का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट, यानी कि आप कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा ये सेकंड इक्वेशन प्रूफ हो गया कि किस तरीके से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसके सिंबल्स का मीनिंग पता होना चाहिए जो कि हमने इस तरह साइड में लिखा हुआ है, उसके बाद एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन किया, उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट यानी कि जो हमारी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है उसको हमने लिख दिया ताकि हमें जब हम नीचे उसको हम लेंगे तो हमें आसानी रहे। उसके बाद s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो कि हमारी सेकंड इक्वेशन है, हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। यहाँ से हमने इसका प्रूफ स्टार्ट किया। तो देखिए सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी जिसे हम वी ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, वी ए बी इंटू टी। अब देखिए वी ए बी यानी कि एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वह होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू, या आप लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टू, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को एडिशन में लिखते हैं तो वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो देखिए अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन में इस एवरेज वेलोसिटी को हमने, इस वाली एवरेज वेलोसिटी को हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ जो वी है मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से हमने वी की वैल्यू ली और यहाँ पे पुट कर दी। तो इस तरीके से हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया, और जहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंडीशन आती है डिवाइड की, यानी आप कह सकते हैं एलशियम की, तो एलशियम लेके हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या प्रूफ हो गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का, हमारी सेकेंड इक्वेशन जो कि मोशन की सेकंड इक्वेशन है, यानी कि गति के दूसरा समीकरण जो हमने आज आपके लिए प्रूफ किया है। फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों में बहुत से बहुत शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।